सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 8.2 प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक प्रश्न में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। दूध वाले ने दो भैंसों को 20,000 रुपए की दर से बेच दिया। अब इस सौदे में हुआ क्या? एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ है और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई है। इसमें जो दो भैंसें हैं, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहली भैंस और दूसरी भैंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो सौदा हुआ है, इसमें दूध वाले को हानि हुई है या लाभ हुआ है? तो बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है? जब हम किसी वस्तु को कम में ख़रीदें और उसे ज़्यादा में बेचें तो हमें लाभ होता है। जैसे हमने 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और उसे 15 रुपए में बेच दिया तो हमें क्या हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। और अगर हम वही वस्तु जो हमने 10 रुपए में ख़रीदी है उसको 8 रुपए में बेचें तो क्या होगा? हमें 2 रुपए की हानि होगी। तो लाभ और हानि हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमने वस्तु कितने में ख़रीदी है और उसे कितने में बेचा है। इस सवाल में भैंस को बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है लेकिन उसे खरीदने वाला मूल्य नहीं दिया है। बस क्या जानकारी दी है कि पहली भैंस जब उसने 20,000 में बेची तो उसे 5% का लाभ हुआ और जब उसने दूसरी भैंस 20,000 रुपये में बेची तो उसे 10% की हानि हुई। तो बच्चों, इस सवाल में हम लाभ और हानि कब बता पाएंगे? जब हमें दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य और दोनों ही भैंसों का क्रय मूल्य पता हो। तो विक्रय मूल्य तो हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे? दोनों ही भैंसों का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्रत्येक अर्थात एक भैंस का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 20,000 रुपये। एक भैंस को दूध वाले ने 20,000 रुपये में बेचा। अब भैंसें उसने कितनी बेची? दो भैंसें बेची हैं, अतः दो भैंसों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20,000 एक का है तो 2 का 40,000 हो जाएगा। 2 गुणा 20,000 रुपये। 20,000 गुणा 2 कितना हो जाता है? 40,000 रुपये। दो भैंसें जो उसके पास थी उसने कितने बेची? 40,000 रुपये में। तो हमें दो भैंसों का विक्रय मूल्य मिल गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों भैंसों का क्रय मूल्य निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कि सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पहली भैंस का विक्रय मूल्य जो दिया है वो लिख लें आप, कितना है? 20,000 रुपये, ठीक। क्यों? क्योंकि 20,000 में बेची है तो इसका विक्रय मूल्य हो गया। और पहली भैंस पर उसे क्या हुआ है? 5% का लाभ हुआ है तो हम लिखेंगे लाभ दर जो दिया है वो लिख लें, कितना है? 5%। अब हमें पहली भैंस का विक्रय मूल्य भी पता है और इस पर कितना लाभ हुआ ये भी पता है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं? इस भैंस का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, पहली भैंस का क्रय मूल्य, और बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने विक्रय मूल्य, गुणा 100 और बटे में
100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर लाभ होगा तो प्लस लाभ प्रतिशत लिखेंगे, और अगर हानि होगी तो माइनस हानि प्रतिशत। बस यही सूत्र होगा लाभ और हानि दोनों में ही। चलिए अब जो जो दे रखा है उसको हम इसमें लगा देते हैं। विक्रय मूल्य 20,000 है तो 20,000 लिख लेते हैं, गुणा 100 है तो हम 100 लिख लेते हैं, और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना 5, ठीक। ऊपर गुणा कर लेते हैं, 20,000 की 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 एकम 2 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हमने छोड़े तो 6 जीरो हमने लगा लिए, बटे में 100 प्लस 5, 105। अब हमें क्या करना है बच्चों, 105 से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। तो हम सबसे पहले इसको 5 से विभाजित कर लेते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से नीचे विभाजित हो गया और 5 से ही ऊपर विभाजित हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 बार 20 गया और ये 5 जीरो बचे हैं तो 5 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 21 से हमें ऊपर वाली संख्या को भाग देना है, और भाग आपको आता ही है। जब हम 21 से ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19047.62। 21 से जब आप 400,000 को भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 19,047.62 रुपए। और ये क्या होगा बच्चों, पहली भैंस का क्रय मूल्य, ठीक। लिखा हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य, पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना आ गया, ये आ गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरी भैंस का भी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य। दूसरी भैंस को भी कितने में बेचा है बच्चों, 20,000 में, 20,000 रुपये। लेकिन इस पर 10% की हानि हुई है तो हम लिखेंगे हानि दर बराबर 10%। अब हमें दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है तो हम इसका क्रय मूल्य फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य बराबर, सूत्र लगाएं, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। जब लाभ हुआ था तो प्लस लाभ किया था हमने, हानि है तो हम माइनस हानि करेंगे, ठीक। विक्रय मूल्य 20,000 है, 20,000 गुणा 100 और बटे में 100 और माइनस हानि है 10% की, ऊपर गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, 2 के साथ में 6 जीरो, बटे 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 90 से हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को भाग दे देनी है और क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जब आप 9 से ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, 2, 2, 2, 2.22 रुपए, ठीक है बच्चों। भाग आपको आती है, भाग आप दे लें तो आपको आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या है, ये है दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब हमें दोनों भैंसों के क्रय मूल्य पता चल गए हैं, हमें ये पता चल गया है कि उसने पहली भैंस कितने में खरीदी और दूसरी भैंस कितने में खरीदी। तो अब दोनों भैंसों का हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं।
तो लिखेंगे दोनों भैंसों का क्रय मूल्य बराबर पहली भैंस का क्रय मूल्य प्लस दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य जो आपने पहले निकाला है ये रहा, ठीक, और इसमें हम जोड़ देंगे दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य बच्चों ये रहा 2222.22। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 41,269.84 रुपये। ठीक है, ये हो गया दोनों भैंसों का क्रय मूल्य अर्थात खरीदा हुआ मूल्य। दूध वाले ने दोनों भैंसें कितने में खरीदी, 41,269.84 रुपये में, और बेची कितने में है, 40,000 रुपये में दोनों भैंसों को। तो बताइए बच्चों दूध वाले को लाभ हुआ या हानि। जब हम कोई वस्तु कम की खरीदें और ज़्यादा की बेचें तब लाभ होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा की खरीदें और कम की बेचें तो क्या होता है, हानि। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध वाले ने भैंसे ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची हैं तो क्या हुआ है, हानि। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर अपना हानि बराबर, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, और माइनस विक्रय मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य है हमारा 41,269.84 रुपये, और इसमें से हम घटा देंगे विक्रय मूल्य जो कि है 40,000 रुपये। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें आंसर प्राप्त होगा 1,269.84 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको गुणा और भाग घटाना वगैरह सब कुछ आता है, इसीलिए मैंने आपको ना तो भाग करके दिखाई है ना यहाँ पर घटाकर दिखाया है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।